हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का सेकंड चैप्टर क्लास टेंथ, जो कि है पॉलीनोमियल्स। तो सबसे पहले पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलीनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो से ज़्यादा टर्म्स का यूज़ किया जाता है, और उसमें जो वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, तो जो उन वेरिएबल्स की पावर होती है वो होल नंबर्स में होती है। होल नंबर्स क्या होते हैं, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। तो बेसिकली पॉलीनोमियल्स चार टाइप के होते हैं। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, चौथा बाई क्वाड्रेटिक। मगर हमारे सिलेबस में ये बाई क्वाड्रेटिक का यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, और लीनियर हमने पिछले साल भी पढ़ा था। तो सबसे पहले लीनियर पॉलीनोमियल क्या होते हैं। तो लीनियर पॉलीनोमियल वो वाले पॉलीनोमियल होते हैं जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री होती है 1। इसका एग्जांपल है ए एक्स प्लस बी। और दूसरा क्वाड्रेटिक वो पॉलीनोमियल होते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री होती है 2, और इसका एग्जांपल हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और तीसरा टाइप का पॉलीनोमियल है क्यूबिक, इसमें 3 हो जाएगी हाईएस्ट डिग्री, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ये है इन तीनों के एग्जांपल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। और इसका मतलब होता है कि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो होती है 4। इसका एग्जांपल होता है, मीन्स जनरल फॉर्म होती है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब ये तो हो गए पॉलीनोमियल्स। इक्वेशंस क्या होते हैं। जैसे आपने कभी भी कुछ भी एक पॉलीनोमियल लिखा, अगर इसे हम इक्वेट कर देते हैं तो ये हो जाते हैं इक्वेशन। और हमें इक्वेशंस की ज़ीरोज़ निकालनी है। ज़ीरो क्या होते हैं। ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती है जो हम वेरिएबल्स की जगह पे मीन्स वेरिएबल से सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इस इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो हमारे सिलेबस में मीन्स हमसे पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक के ज़ीरोज़ निकालो और क्यूबिक के ज़ीरोज़ निकालो। लीनियर के हमने पिछले साल भी निकाले थे, जैसे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, तो इसका ज़ीरो क्या होगा, मीन्स वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू हम डालें जिससे ये ज़ीरो हो जाए। तो हम इसमें डायरेक्टली ये कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी को इधर लेके आगे ज़ीरो की मीन्स राइट हैंड साइड पे, और ए को डिनोमिनेटर में लेके आगे, तो इसमें एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए। और अगर हम इस माइनस बी अपॉन ए को इस इक्वेशन में डालेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो माइनस बी अपॉन ए है ये इस इक्वेशन का ज़ीरो है। तो अब हमें इसी तरीके से इन दोनों की भी ज़ीरोज़ निकालनी है। अब पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनमें दो ज़ीरो निकलते हैं। जो जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ब्रैकेट्स बनते हैं और उतने ही ज़ीरो निकलते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। तो सबसे बेसिक तरीका होता है फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हमें इस चैप्टर में यूज़ करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को हम यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझाऊँगा। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन की ज़ीरो कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि जो साइड्स की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे एक माइनस एट है मीन्स एट, और यहाँ पे इसका कोफिशियंट ले लो, यहाँ पे 1 है, तो 8 इंटू 1 8 होते हैं। और 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 8 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 4 या फिर 8 इंटू 1। तो हमें इन फैक्टर्स को देख के हमें इस मिडिल टर्म जो यहाँ पे 2x है इसे ऐसे स्प्रेड करना होगा कि हमें माइनस प्लस माइनस या फिर प्लस करके 2 आने चाहिए, और मल्टीप्लाई करके जो दो नंबर हैं वो 8 आने चाहिए। तो हमें साइन कन्वेंशन तो पता ही है कि अगर एक मीन्स एक माइनस है एक प्लस है, तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस होता है, और अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो हमें उसी साइन कन्वेंशन का यहाँ पर यूज़ करना है और फैक्टर्स का। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 एक ऐसा मीन्स यहाँ पर फैक्टर हैं जो मीन्स अगर यहाँ पे हम डालें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0,
तो अब यहाँ पे देखो, अगर हमने इन्हें प्लस किया, मीन्स माइनस फोर एक्स को प्लस टू एक्स किया, तो यहाँ पे माइनस टू एक्स आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे। तो इस ये वाला जो यहाँ पे ब्रैकेट बनेगा, इसमें कॉमन ले लीजिए एक्स, तो कॉमन आ गया एक्स, तो एक्स माइनस फोर, और यहाँ पे टू कॉमन आ जाएगा टू एक्स और एट में से, तो टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। और एक इसमें शॉर्टकट ये होता है कि अगर जो हमारा पहला ब्रैकेट बन गया उसे डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर दो, और फिर उसमें से मीन्स जो नंबर बाकी रह रहा है उसे बाहर लिख दो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे x माइनस फोर एक ब्रैकेट बन गया, तो यहाँ पे ये वाला डिजिट ना लिख के पहले डायरेक्ट ब्रैकेट लिख दो, और फिर जो इस नंबर में से ये कॉमन ले लिया इसको डिवाइड कर दो, तो उसमें टू आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो ब्रैकेट्स बन गया x प्लस टू और एक x माइनस फोर, x प्लस टू और एक x माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू आ गई एक माइनस टू और एक प्लस फोर। यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे निकाली कि पहले देखो, यहाँ पे एक टर्म मान लो इसे मल्टीप्लाई में है, तो ये अगर हमने इस साइड भेजा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा, मीन ज़ीरो के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ज़ीरो अपॉन कुछ भी हो वो ज़ीरो होता है। तो x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर टू को हम ज़ीरो की साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस टू हो जाएगा। सेम तरीके से x माइनस फोर में भी यही है, x अगर हम माइनस फोर को ज़ीरो की साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस फोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये ज़ीरो निकल गया। अब हमें रिलेशंस प्रूव करने पड़ते हैं जो ज़ीरोज़ बने और इक्वेशन के कोफिशेंट में। तो सबसे पहले जो हमने पिछले क्वेश्चन में एक ज़ीरो निकाले थे माइनस टू और प्लस फोर, तो पहले ज़ीरोज़ तो निकल गए थे माइनस टू एंड प्लस फोर। तो इसमें हम इसे नाम देते हैं, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अल्फा बीटा ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़ीरोज़ हैं, हम इसे कुछ भी ले सकते हैं ए बी सी डी। तो सबसे पहले हमें रिलेशंस में प्रूफ कैसे करना पड़ता है, तो पहले हमें इनका सम निकालना पड़ता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस टू प्लस फोर, कितना होगा टू। और फिर दूसरा प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस टू इंटू फोर, ये हो जाएगा माइनस एट। अब जो रिलेशन निकलेगा उसका एक तरीका होता है, पहले तो सम का माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब ये है कि जो कोफिशियंट ऑफ x है अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो जो कोफिशियंट ऑफ x है वो न्यूमरेटर में आता है, और जो डिनोमिनेटर में आता है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो इससे माइनस बी अपॉन ए। अब पिछला इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, तो यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का टू अपॉन ए। यहाँ पे कोफिशियंट इसका एक्स स्क्वायर का वन है, तो ये वन, तो यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस ये प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा टू। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका होता है रिलेशन सी अपॉन ए, जो कांस्टेंट है अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है माइनस एट, तो माइनस एट अपॉन वन इक्वल टू माइनस एट। अब इसमें चेक करने के लिए हमें इन दोनों को मैच करना पड़ता है, जो हमारा सम का रिलेशन है और जो हमारा ज़ीरोज़ का सम आया वो अगर सेम है, और प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट का रिलेशन अगर सेम है, तो हमने सही ज़ीरो निकाल लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम क्यूबिक पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में ये बताएं कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू। Okay.